अस्सलाम वालेकुम, हेलो नमस्ते, केम छो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक और रिव्यू शेयर करने ला लिया है, मैक्सटॉप बॉडी मसाजर। इसके पहले भी मैंने एक रिव्यू शेयर कर चुका है ट्रिमर का, स्वीट ट्रिमर, स्वीट सेंसिटिव ट्रिमर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो बॉडी मसाजर है वो हमारे बॉडी को, पेन को कम करता है। ये बहुत यूजफुल है हमारी बॉडी के लिए, ये हमें रिलीफ पहुँचाता है। तो ज़्यादा देर ना करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसके यूजेस हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये मेरा जेन्युइन ओपिनियन है, ठीक है। ये जो है मैक्सटॉप बॉडी मसाजर है, इसमें पांच चीज़ें आती है। ये फर्स्ट है मशीन, इसकी जो मेन मशीन है, और आप नीचे जो देख सकते हैं इसके चार इक्विपमेंट हैं। इसके साथ इतना वायर आता है, ये इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक मशीन है। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि चार्जर है, चार्ज करके रख लो, इससे डायरेक्टली प्लग करना पड़ता है और यूज़ करना पड़ता है। यह बहुत स्मॉल इन साइज है, बस हैवी इन वेट है। ये इसका प्राइस भी बहुत कम है, इसका प्राइस आप देख सकते हैं इतना है प्राइस, और ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, मैंने ऑनलाइन स्नैपडील से लिया था। इसके साथ एक मैनुअल मिलती है, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आता है, पर ये बहुत इजी टू यूज़ है, इसलिए हम यूज़ करके अच्छे से देख लेते हैं कि ये कैसे यूज़ आगे आती है। की पैकेजिंग मेरे को बहुत अच्छे से रिसीव हुई थी, जैसे कि आप देख सकते थे पहले। इसका बॉक्स मैंने बहुत यूज़ कर चुका है, इसके मैंने बहुत पहले ऑर्डर करके यूज़ करना चालू कर दिया था, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी YouTube फैमिली को अगर मैं कोई भी रिव्यू शेयर करूँ तो मेरा बेस्ट रिव्यू शेयर करूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत स्मॉल इन साइज है, इसका प्राइस 600 रुपीज़ है, मैंने जब मंगाया था, अभी वेरी होते रहता है इसका प्राइस। और इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के मशीन्स आ गए हैं, ठीक है, और ये बहुत अच्छी है, बस ये हैवी इन वेट है और कोई डिसएडवांटेज नहीं है। और ये जो है चार कैप आते हैं, इसमें जो फर्स्ट कैप है ये है ब्लैक कैप, ये हमारी जो मशीन है उसके साम पहले लगता है, उसके बाद उसके ऊपर सब तीनों कैप लगते हैं। ये बहुत टाइट होता है, ये गिरता नहीं है, तो आप इसे अच्छे से लगाइए। अगर आप नहीं भी लगाए तो आप ये जो तीनों नीचे कैप दिख रहे हैं उसे आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली अप्लाई करके, पर अच्छा रहेगा अगर आप इससे इसके ऊपर लगाते हैं तो आपको अच्छा सेफली रहेगा, ठीक है। ये है फर्स्ट, इससे ये हमारा फेशियल के लिए है, और आप पहली बात ध्यान रखिएगा, इसे कभी भी फेस या सर पे यूज़ मत करिए, क्योंकि अगर आप सर पे यूज़ करेंगे तो आपके बाल फंस जाते हैं। मैंने बिना कैप के यूज़ कर रहा था, इसलिए आप ज़्यादातर ध्यान रखिए कि सर पे यूज़ ना करिए। और इसमें 5 नॉब्स आते हैं, ठीक है। ये दूसरा इक्विपमेंट है, इस ये भी बहुत यूज़फुल है, पर सबसे यूज़फुल इक्विपमेंट ये थर्ड वाला है, ठीक है। ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें छर्रे बोलते हैं, वो गोल गोल है, तो ये जो गोल गोल है ये भी राउंड एंड राउंड क्लॉकवाइज घूमता है, तो ये बहुत यूज़फुल है हमारे बॉडी के लिए, कि हमारा जो बॉडी का ब्लड है वो सर्कुलेट हो अच्छे से। अच्छा, क्योंकि हम जब अगर मशीन यूज़ कर रहे हैं और हमारी बॉडी अच्छी हेल्दी महसूस हो, तो हमारा बॉडी का ब्लड का सर्कुलेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसकी जो हमारी जो खून, मतलब खून के जो दौरान है वो बहुत तेज़ होती है, तो हम एक एक इक्विपमेंट को मैं लगा लगा के आपको यूज़ करके बताऊंगी। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कैप लगाया है वैसे उसके ऊपर एक एक इक्विपमेंट मैं लगा रही हूँ, ठीक है। या आप हाथ पर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको फेशियल करना है तो ये बहुत यूज़फुल है उसके लिए, ठीक है। तो ये फेशियल के लिए बहुत यूज़फुल है, मैं अपने हाथ पर आपको एक डेमो देकर लगाऊंगी, और आप इसे अच्छे से अच्छा लगाइए, अगर टाइट लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इतना फास्ट मूव होता है, इतना फास्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है कि आपका ये गिर सकता है, तो आप इसे फास्ट अच्छे से अच्छा लगाइए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको फिट कर दिया है, पूरे मशीन में, पूरा मशीन में इसको फिट कर दिया है। इसके पीछे एक नॉब मिलता है, 5 सेट करने के लिए स्पीड मिलती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं, आप कम से कम भी स्पीड कर सकते हैं, जैसे आपको ज़रूरत है। आपके पेन, अगर आपको पेन लेस होना है, जैसे आपको ज़रूरत है वैसे आप कर सकते हैं। मैं राइट साइड घुमाऊँगी तो आपको ज़्यादा आएंगे स्पीड, और अब मैं कम लेफ़्ट साइड घुमाऊँगी तो मेरी स्पीड जो रहेंगी वो कम हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो ये मैंने स्टार्ट कर दिया है, और इससे
एक साइड रख कर ही आप अच्छे से घुमाइए, यानी एक ऐसा नहीं है आपको मशीन को भी गोल गोल घुमाना है और हाथ को भी गोल गोल घुमाना है, सिर्फ आप मशीन को ही गोल गोल घुमाएंगे तो आपकी बॉडी का जो पेन है वो बहुत कम हो जाएगा। इसकी जो एडवांटेजेस है, ये बॉडी को पेन रिलीफ करता है, हमारा कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, इसको भी पेन को रिलीफ करता है, हमारी जो बैक में पेन हो जाती है जो लेडीज़ को सबसे ज़्यादा रहती है उसे बहुत रिलीफ करता है, लेग पेन, हैंड पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, आर्म्स पेन, हिप्स पेन और लोअर लेग एब्डोमन और बहुत सारी चीज़ों को ये पेन को रिलीफ करता है, हमारी ये पूरी बॉडी के लिए बना है। सबसे यूज़फुल जो है जो थर्ड इक्विपमेंट है वो है जो बहुत ईजिली हमारे पेन को रिमूव करता है। ये जो सेकेंड इक्विपमेंट है ये भी बहुत यूज़फुल है, पर ये फर्स्ट जो इक्विपमेंट था वो फेशियल के लिए था, सेकेंड इक्विपमेंट भी आपके बॉडी के पेन के लिए है, और ये जो थर्ड इक्विपमेंट है वो जल्दी से जल्दी आपके बॉडी का पेन को रिलीफ कर देता है, ये सबसे यूज़फुल इक्विपमेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा कि आगे की वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि आगे की वीडियो और इंटरेस्टिंग और रिव्यू बहुत सारी चीज़ें वाली है। आप सभी को पता होगा अगर हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो ब्लड सर्कुलेशन ज़रूर अच्छा होना चाहिए, तो ये जो मशीन है वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखती है और हमारी बॉडी की हेल्थ को बैलेंस रखती है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। तो आप जैसा देख सकते हैं मैंने तीनों इक्विपमेंट यूज़ करके बता दिया है और कहाँ यहाँ यूज़ होता है मैंने वो सब भी आपको शेयर कर दिया है। बस इसे एक साइड ही रख कर अपने पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ आपको पेन है वहाँ चलाइए और बॉडी से की पेन से आपको मुफ्त पाइए, ठीक है। आपका इसका मैंने आपको पूरे एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिया है, ये इसका बस दो मेरे को डिसएडवांटेज लगा है, ये बहुत हैवी है और इसका जो वायर है कम बहुत छोटा सा वायर है, अगर हम दूर बैठे हैं तो हमको वायर जो है हमको ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता है, पर इसकी पैकेजिंग ये सब चीज़ें सब अच्छी से अच्छी आई थी और मैं इसे बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है, जैसे बहुत सारी मशीन्स ख़राब हो जाती है, पर ये ऐसा कुछ इसमें फॉल्ट नहीं ही आया है कि ये ख़राब हो जाएंगी, ये ऐसा हो जाएंगी। अगर आपका यूज़ हो गया है तो आप इसे सिर्फ ब्लैक वाले कैप को लगा के रख दीजिएगा, ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि अगर धूल बहुत सारी जगह धूल मिट्टी बहुत होती है तो धूल मिट्टी से आपको ये प्रोटेक्ट करेगा और ये बहुत यूज़फुल है, ठीक है। ये ट्रैवल फ्रेंडली है, इसका कॉस्ट भी कम है और ये बहुत साल से मेरे यहाँ चल रही है। जो फर्स्ट कैप है उस पर स्टिकर आता है, उसे निकाल के ही आप फेशियल के लिए यूज़ करिए क्योंकि वो बहुत खुरदुरा होता है। तो बाय बाय।